दोस्तों जब भी किसी चीज से जुड़े मेरे माइंड में कोई नया आइडिया आता है तो मैं उस आइडिया को आप लोगों के साथ शेयर जरूर करता हूं, ताकि आप लोग भी उस आइडिया का इस्तेमाल अपने इलेक्ट्रिकल चीजों या घरेलू चीजों को ठीक करने के लिए कर सके। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा यूनिक रिपेयरिंग वीडियो लेकर आया हूं जो आपका बहुत काम का होगा और आपका पैसा भी बचाएगा। दोस्तों अगर आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगा किटकैट फ्यूज खराब हो जाता है तो आप क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, आप नया फ्यूज लाते हैं और उसे चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको नया फ्यूज खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को पुराने से भी पुराने, खराब से भी खराब फ्यूज को किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और इसी तरह के यूनिक आइडिया वाले रिपेयरिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो हमारा किटकैट फ्यूज है वह पूरी तरीके से खराब हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका कंडीशन किस तरह से है। तो दोस्तों आप क्योंकि क्या करना है, ये जो खराब किटकैट फ्यूज है उसके ऊपर इस तरह से आपको सबसे पहले तो केरोसिन ऑयल लगा लेना है इस प्रकार से। दोस्तों केरोसिन ऑयल डालने से क्या होगा कि इसका जो जंक लगा हुआ है आप देख सकते हैं और इसमें जो कार्बन बैठा हुआ दोस्तों वह इसमें आसानी से निकल जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसका जो दोनों पार्ट है फ्यूज का ऊपर वाले उसमें हम केरोसिन ऑयल डाल दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो नीचे वाला भाग है उसमें जो पार्ट लगे हुए आप देख सकते हैं उसको हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से निकालेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसके नीचे की तरफ इसका जो दो स्क्रू लगा हुआ है ऊपर और नीचे, वहां से हम इसका जो पार्ट लगा हुआ है, जो पिन लगा हुआ है, उसे हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से निकाल लेंगे इस प्रकार से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने इसका जो पहला वाला पिन था उसे निकाल दिया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जो दूसरा पिन है दोस्तों उसे भी निकाल लेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम ये जो दोनों फ्यूज है उसका जो पार्ट लगा हुआ दोस्तों जो खराब हो चुका है उसको हम इस तरह से निकाल रहे हैं, तो हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो दोनों फ्यूज था उसमें जो पार्ट लगा था ये इस प्रकार का, उसे हमने निकाल लिया है। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, हमें एक कटोरी लेना है, तो हम इस प्रकार का जो प्लास्टिक का छोटा कटोरी उससे ले लेते हैं और उसके ऊपर इसको रख कर दोस्तों इसमें हम केरोसिन ऑयल डालेंगे। दोस्तों केरोसिन ऑयल डालेंगे तो इसमें कुछ जो जंक होगा, जो कार्बन होगा दोस्तों, उसे हमें निकालने में बहुत ही आसानी होगा। तो दोस्तों उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो ऊपर वाला भाग है उसे भी हम ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके ऊपर की तरफ तारकोल जैसा काला काला लगा हुआ, तो उसे आपको इस प्रकार से स्क्रू ड्राइवर की सहायता से घिस लेना है और इसके अंदर आपको दो स्क्रू दिखाई देगा ऊपर और नीचे, तो वहां से आपको दोस्तों इसका जो पार्ट लगा हुआ है उसे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से निकाल लेना है। तो दोस्तों हम आपको इसको निकाल कर दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो पिन है वह पूरी तरह से काला पड़ चुका है, खराब हो चुका है। दोस्तों इस कंडीशन में शायद ही कोई लोग होगा जो इसका रिपेयरिंग करेगा। तो दोस्तों मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से आप इसका रिपेयरिंग करेंगे तो यकीनन ही पहले जैसा क्लीन हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो ये वाला पार्ट है इसे हम क्या करेंगे, डिटर्जेंट की सहायता से ब्रश से हम अच्छे से इसे क्लीन करेंगे और इसका जो पार्ट है दोस्तों उसको हम इस प्रकार का फाइल लेना है और उसमें दोस्तों हम इस प्रकार से घिसेंगे तो या इसका जो जंक है, जो कार्बन है दोस्तों, वह आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमने इसके ऊपर केरोसिन ऑयल डाला है तो इसका जो जंक होगा वह कमजोर पड़ जाएगा और इससे इस प्रकार से घिसेंगे थोड़ा थोड़ा तो यह निकल जाएगा। दोस्तों इतना जो इसका पार्ट है उसे घिसने में शायद आपको आधे से भी ज़्यादा समय लग सकता है, मगर दोस्तों अगर आप आधे घंटा भी इसमें मेहनत करते हैं तो यकीनन आपके 80 से 100 रुपये बच सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो फ्यूज होता है वह मार्केट में 40 से 50 रुपये प्रति नग के हिसाब से मिलता है। दोस्तों आपके तरफ हो सकता है इसका रेट कम ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका जो सभी पार्ट है उसे अच्छे से क्लीन करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो पार्ट है उसे हमने क्लीन कर दिया है और ये जो फ्यूज है दोस्तों उसे भी हमने डिटर्जेंट की सहायता से, ब्रश की सहायता से अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो वही फ्यूज है जिसको हमने आपको दिखाया था, अब इसको क्लीन करने के बाद आप देख सकते हैं अब पहले जैसे क्लीन नया हो चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हल्का सा क्रैक हो चुका है दोस्तों, धोते समय इसे क्लीन करते समय यह गिर गया था जिस कारण से यह क्रैक हो चुका है। तो दोस्तों हम यहाँ पर फेविक्विक लगाकर इसे अच्छे से सेट कर दिया है। तो दोस्तों अब क्या करना है, इसका जो पार्ट है आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से क्लीन कर दिया है, तो हम आपको बारी बारी से दिखाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो कार्बन था, जो कालापन था दोस्तों, वह पूरा निकल चुका है। आप इस वाले पार्ट को भी देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसका जो कार्बन था उसे घिस कर निकाल दिया है। तो दोस्तों आप इस तरह से ये जो खराब
फ्यूज होता है, किट का फ्यूज होता है, उसका रिपेयर इस तरह से आप करेंगे तो यकीनन आपका पैसा बच जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करना है, ये जो पार्ट है उसे हमने क्लीन तो कर लिया है, अब हम इसे वापस से लगाएंगे। तो लगाएंगे कैसे दोस्तों, हम आपको बताते हैं। तो ये वाला पार्ट है दोस्तों, आपको ये होल है उसके ऊपर इस प्रकार से रख लेना है और एक स्क्रू लेना है दोस्तों, और उसे नीचे की तरफ से यहाँ पर लगाकर उंगली की सहायता से आपको दबा कर रखना है। और इसका जो पीतल वाला जो पार्ट है दोस्तों, आपको देख लेना है उल्टा सीधा, और यहाँ इसका जो होल है उसके सामने रख लेना है, और इसे नीचे की तरफ से हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से टाइट कर देंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर ये जो इशू है उसे यहाँ पर टाइट कर देते हैं, तो हमारा जो फ्यूज का जो पिन है दोस्तों वहाँ यहाँ पर लग जाता है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों इसका ऊपर का जो छोटा सा स्क्रू लगता है उसे भी हम यहाँ पर लगा देंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर ये जो स्क्रू है उसे भी लगा दिया है। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम इसका जो दूसरा तरफ का जो पिन है उसे भी हम यहाँ पर लगा देंगे। तो दोस्तों पहले हम नीचे वाले जो पिन है उसे रख लेते हैं, और उसके बाद एक स्क्रू लेंगे नीचे की तरफ से और उसको इस तरह से घुसाएंगे, और उसके बाद दोस्तों ये जो पीतल वाला पार्ट है उसे उस स्क्रू के ऊपर रखना है, और नीचे की तरफ से दोस्तों आपको इस स्क्रू को टाइट कर देना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर ये जो स्क्रू है उसे टाइट कर दिए हैं। अब इसका ऊपर वाला जो स्क्रू है दोस्तों उसे भी हम लगा लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ये जो किटकैट हमारा फ्यूज है उसका एक पार्ट को हमने तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको फिट कर लेना है। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें भी हम आपको इसका जो छोटा छोटा पार्ट है उसे फिट करके दिखाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें क्या करना है, एक स्क्रू लेना है आपको और नीचे की तरफ से आपको पुश करना है, तो इसका जो स्क्रू है दोस्तों वह यहाँ पर अटक जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका जो पिन है उसे इस तरह से लगा लेना है और लगाकर टाइट कर देना है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम इसका जो दूसरा वाला पिन है उसे भी हम यहाँ पर पहले स्क्रू लगा लेते हैं, उसके बाद इसका जो पिन है दोस्तों उसे भी इस तरह से लगा लेंगे। तो दोस्तों बस आपको इसी तरह का थोड़ी सी मेहनत करना है और आपका जो कार्बन लगा हुआ जो किटकैट फ्यूज है दोस्तों वह फिर से नया हो जाएगा और अच्छे से वर्क करने लग जाएगा। दोस्तों क्या होता है कि इस तरह का जो किटकैट फ्यूज होता है उसमें कार्बन लग जाता है, जंग लग जाता है, तो इसमें करंट सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं होता और यहाँ से स्पार्क होने लगता है। तो दोस्तों आप उस कंडीशन में उसका रिपेयर इस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसका जो छोटा छोटा साइड वाला जो स्क्रू था उसे भी लगा लिया है। अब हमारा एक सेट तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हम जब इसका कनेक्शन करेंगे अपने घरों में तो इसमें तार लगाएंगे बीच में और इसका यूज फिर से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम इसका दूसरा कपल है उसे भी हम सभी पार्ट को लगाएंगे और लगाकर दोस्तों आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो दूसरा वाला सेट है उसे भी लगा लिया है। इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पर हमारे पुराने से भी पुराना जो किटकैट फ्यूज था उसका रिपेयर हमने इस तरीके से कर दिया है। तो दोस्तों आप इस तरह से अपना किटकैट फ्यूज का रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।